क्योंकि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो हमारे जो वेजाइना का एरिया होता है ये क्यों होता है, फीमेल्स में सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन देखिए, मैक्सिमम फीमेल्स को वाइड डिस्चार्ज की वजह से बैक एक रहना, बहुत बैड ऑर्डर, बड़ी गंदी स्मेल आती है डिस्चार्ज के अंदर, ये डिस्चार्ज जो है बहुत थिक आता है, कर्डी दही की तरह मोटा मोटा डिस्चार्ज होता है, ये कई बार बिल्कुल पानी की तरह डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज का रंग पीला रहता है, ये क्यों होता है। फीमेल्स में सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कर्डी डिस्चार्ज है तो आयुर्वेद कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं, अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो आपको दही की तरह थिक डिस्चार्ज होगा, और अगर आपके डिस्चार्ज में काला रंग आ रहा है तो वायु दोष बढ़ने की वजह से होगा, और अगर आपको डिस्चार्ज में जलन हो रही है तो वो पित्त दोष बढ़ने की वजह से होती है। हमें सबसे पहले हमारे शरीर में जो सफ़ेद पानी गिर रहा है उसकी कंसिस्टेंसी को देखना है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो आपके शरीर में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, औरतों को अपने रूटीन के कार्य करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, कमर में लगातार और पेट में लगातार दर्द बना रहता है। नारियल को इस तरह से आप बिल्कुल कस लीजिए, कद्दूकस करके नारियल को बिल्कुल ऐसा बना लीजिए, इसको दूध में उबाल के 5 ग्राम नारियल 1 गिलास दूध में उबाल के सुबह शाम लगातार लेना चाहिए। ये स्तंभन का कार्य करेगा, आपके जो वेजाइनल एरिया है, यूट्रस का पार्ट है, उसको स्ट्रेंथनिंग देगा और आपका सफ़ेद पानी आना कम हो जाएगा। डाइट में इन लोगों को मखानों का सेवन करना चाहिए, मखाने जो हैं वो रिच ऑफ कैल्शियम रहते हैं। सफ़ेद तिल का सेवन करना चाहिए, हमें छुआरे और लहसुन को भी दूध में उबाल के लेना चाहिए। इन तरह के ड्राई फ्रूट्स लेने से सफ़ेद पानी की आने की कंडीशंस कम हो जाती है, ये हमारे यूट्रस के एरिया को स्ट्रेंथनिंग करता है। इसके साथ साथ अगर आप रोज़ नारियल ना बना सके तो इस तरह के नारियल के लड्डू बना सकते हैं, जिसमें नारियल और गुड़ को मिक्स करके इन लड्डू को बनाया गया है, और इस तरह के लड्डू को आप रोज़ सुबह एक गर्म दूध के साथ लेंगे तो जिससे आपका सफ़ेद पानी जो आ रहा है, कमर में जो दर्द बन रहा है, उसमें कमी हो सकती है। पोस्ट डिलीवरी होने के बाद, नॉर्मल डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद सफ़ेद पानी की परेशानी पेशेंट्स में देखी जाती है, क्योंकि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो हमारे नीचे वेजाइना का एरिया होता है उसमें लेसरेशन, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ये कट लग जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप संभोग करते हो तो आपको इन्फेक्शन बार बार ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शन बार बार बढ़ने की वजह से आपको परेशानी होती है। इसलिए जिनको भी सफ़ेद पानी रहता है उनको संभोग करने के बाद अपने वेजाइनल एरिया को वॉश करना चाहिए, दिन में 2 या 3 बार वेजाइनल एरिया को वॉश करना है, पैंटीज़ को दिन में 2 बार चेंज करना है, और डाइट को मैनेजमेंट करना है, तो आप सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को, अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिनको भी सफ़ेद पानी की परेशानी है वो इन चीज़ों का सेवन करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।